नमस्कार, आज आपके YouTube चैनल समझ में आपका स्वागत है। आज जो ग्रामर में हम टॉपिक रहेगा वह रहेगा सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, हिंदी में बात करें तो इसे वाक्य बोलेंगे। वाक्य, अब सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, एक शब्दों का समूह है जिसका एक अर्थ होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। अब सेंटेंस में कुछ बातें हैं वो हमें ध्यान रखनी चाहिए। अ सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस क्या होता है, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। और ख़त्म कैसे होता है, इसको आप एक फुल स्टॉप लगा के ख़त्म करेंगे, या फिर एक क्वेश्चन मार्क लगा के ख़त्म करेंगे, या फिर एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क हिंदी में इसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसके अंदर इस तरह एक डंडा और उसके नीचे बिंदी लगी होती है। अब थर्ड जो पॉइंट है वो है द वर्ड इन अ सेंटेंस फॉलो अ लॉजिकल ऑर्डर। किसी भी सेंटेंस एक लॉजिकल ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ को सेंटेंस नहीं बोल सकते जब तक उसका एक अर्थ नहीं निकलता, तो एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, आई ड्रिंक मिल्क डेली, आप डेली आई ड्रिंक मिल्क ऐसे नहीं बोल सकते, तो इसका एक लॉजिकल ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, तार्किक इसका एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। इट मस्ट कॉन्टेन अ वर्ब। और लास्ट है, इसमें एक वर्ब होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, आई ड्रिंक मिल्क, इसके अंदर आई सब्जेक्ट है, ड्रिंक मेन वर्ब है इसके अंदर, और मिल्क डेली आपके पास ऑब्जेक्ट है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने शट अप, इसके अंदर आई और यू अंडरस्टूड है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है, लेकिन जो शट अप है मिनिमम एक वर्ब कंपल्सरी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब हमारे पास सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, देर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज एसर्टिव सेंटेंस। पहला कौन सा है, एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस आप कह सकते हैं वे होते हैं जिसमें एक कथन होता है, एक डिक्लेरेशन होता है। तो अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और assertion इज कॉल्ड अ declarative सेंटेंस और एसर्टिव सेंटेंस। यानी कि एक सिंपल एक कथन है, एक जिस चीज़ कोई बोल दी है वो एक assertive सेंटेंस होगा। और assertive सेंटेंस को भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज affirmative एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य है, जिसमें एसर्टिव सेंटेंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है आपका एफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक, इसके अंदर कोई भी चीज़ यस है। और नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, जब हम किसी सेंटेंस में नो या नॉट का यूज़ करेंगे तब वह क्या कहलाएगा, नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस के हम एग्जांपल देख लेते हैं, इन्हें हम पॉजिटिव स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, रोहित प्लेज क्रिकेट, रजनी सिंग्स अ सॉन्ग, आई गो टू स्कूल। अब यदि हम बात करें अपने नेगेटिव सेंटेंस की, तो इट कंटेन्स नॉट या नो। तो कुछ सेंटेंस हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। रोहित डज नॉट प्ले क्रिकेट, रजनी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, और आई डू नॉट गो टू स्कूल। आप देख सकते हैं इसमें सब में क्या लगा हुआ है, इसमें नॉट लगा हुआ है, तो इस वजह से ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य, और ये प्रश्नात्मक वाक्य एक तरह का प्रश्न पूछते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर इसकी जो एंडिंग होगी वो एक क्वेश्चन मार्क से एंडिंग होगी। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, डज रोहित प्ले क्रिकेट, डज रजनी सिंग अ सॉन्ग, डू आई गो टू स्कूल, वेयर डू यू लिव। इसके अंदर आप किसी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, या WH टाइप ऑफ वर्ड्स लाइक वेयर, हु, व्हाट, इस तरह से आप सेंटेंस भी पुटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है? इसके अंदर जब हम कोई कमांड या यूं कहें कि ऑर्डर देते हैं किसी को, कोई एडवाइस है, सलाह देते हैं, रिक्वेस्ट या फिर कोई इंट्रिटी है, रिक्वेस्ट का मतलब किसी से विनती करते हैं, इंट्रिटी में थोड़ी ज़्यादा विनती है, फोर्सफुल विनती है, तो ऐसी चीज़ में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का इसे कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, बी क्वाइट, जैसे क्लास में किसी टीचर ने कहा बी क्वाइट, तो बी क्वाइट वो एक ऑर्डर दे रहा है सभी बच्चों को कि चुप हो जाइए। हैव मर्सी अपॉन अस, हैव मर्सी अपॉन अस, अपॉन अस मतलब हम पर दया कीजिए, तो ये विनती है यहाँ पर। इसी तरह प्लीज़ गिव मी अ पेन, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से कि मुझे एक पेन दे दीजिए, तो इस टाइप के ऑफ सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट कौन सा टाइप का सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विस्मयादि बोधक वाक्य, इसके अंदर क्या होता है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक सडन शॉक लगा होता है, या यूं कहिए कि अचानक, जस्ट हम डर गए, हमें अचानक खुशी हुई, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स है, व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है, हाउ कोल्ड द नाइट इज, रात कितनी ठंडी है, तो यहाँ कुछ हम शॉक व्यक्त कर रहे हैं। अलास वी लॉस्ट द मैच, हे भगवान हम मैच हार गए, इस तरह के सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट समझराज.weebly.com पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।